हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोड ऑफ़ टीचिंग लर्निंग के ही इंडिविजुअलाइज्ड मोड ऑफ़ लर्निंग के बारे में जानेंगे। इंडिविजुअलाइज्ड मोड ऑफ़ लर्निंग यानी व्यक्तिगत शिक्षण, एक ऐसा शिक्षण का प्रक्रिया जिसमें जो हम शिक्षण सामग्री या जो हम शिक्षण तकनीक प्रयोग करते हैं वो हम इंडिविजुअल यानी अलग अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों के अनुसार, उनके सीखने की गति के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार और उन छात्रों के क्षमताओं के अनुसार हम तैयार करते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्तिगत शिक्षण जो है उसमें हमारे द्वारा प्रयुक्त तकनीक, हमारे द्वारा प्रयोग किया गया सामग्री और हमारे सिखाने की जो गति होती है, ये गति छात्रों पर आधारित होती है। छात्रों के रुचि और उनकी योग्यता के अनुसार हम इसमें परिवर्तन करते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग जो है ये दोनों प्रकार को सम्मिलित करता है, डॉक्यूमेंट और प्रोसेस। डॉक्यूमेंट जिसमें कि हम छात्रों के पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हैं, उनके हम गतिविधियों को डॉक्यूमेंट्स के द्वारा जो संग्रहित किए गए हैं विद्यालयों में या शैक्षणिक संस्थाओं में, हम उनके रिकॉर्ड्स को देखते हैं। और दूसरा प्रोसेस यानी हम अपने प्रोसेस या प्रक्रिया में, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम उन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार अपने प्लान जो है वो तैयार करते हैं। यानी व्यक्तिगत शिक्षण में हम डॉक्यूमेंट और प्रोसेस दोनों पर ही विशेष ध्यान देते हैं। विशेषताएं अगर हम देखें तो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं छात्रों की योग्यता। हम जब व्यक्तिगत रूप से सीखने को संबोधित करते हैं तो हो सकता है कि मतलब पाठ्यक्रम में जो लक्ष्य दिए गए हों या हमारा जो पाठ्यक्रम होगा उसमें जो उपस्थित लक्ष्य होंगे वो सभी बच्चों के लिए सेम होंगे। यानी हम जो पाठ्यक्रम का डिज़ाइन तैयार करते हैं उस पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों का लक्ष्य एक ही होगा, पर छात्रों की सीखने की गति या उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो गति होगा वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो वैरी करेगा, यानी वो उसमें डिफरेंस आएंगे। तो यही है कि हर एक छात्र की एबिलिटी जो है, योग्यता जो है वो अलग अलग होती है, और उस अलग अलग योग्यता होने के कारण प्रत्येक छात्र जो है उनके लिए हमें अलग अलग तकनीक और हमें अलग अलग सामग्रियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो छात्रों की योग्यता इसकी मुख्य विशेषता है। देन है रुचि। बच्चों की रुचि क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। क्लास में बैठने वाले हर एक 50 बच्चों का रुचि जो है एक समान नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। परंतु हमें जो शिक्षण प्रदान करना है, हमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है उस पाठ्यक्रम को हमें उनके अनुसार रुचिकर बनाना होगा। नेक्स्ट है वर्तमान एवं भूतपूर्व गतिविधियाँ। जैसा मैंने कहा डॉक्यूमेंट इसमें देखा जाता है, तो उनके वर्तमान समय में उनकी गतिविधियाँ कैसी है, किस तरह वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिविटीज़ में, और भूतपूर्व यानी प्राचीन मतलब पुराने समय में या बहुत पहले, या जैसे 7 क्लास में है तो 6 क्लास में उसका ग्रेडिंग कैसा है, उसका अंक कैसा है, उसके एक्टिविटीज़ कैसे थे, ये सब जानकारी जो है प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है अंक और ग्रेडिंग। जैसा मैंने कहा कि भूतपूर्व गतिविधियों जिसमें अंक आता है, अंक पत्र आता है, उसके रिजल्ट्स को हम देख करके मतलब उसके प्रकार के बारे में जान सकते हैं कि बच्चा किस तरह से सीखता है या बच्चे को किस किस विषय में समस्या है। तो इंडिविजुअलाइज्ड सिखाने का या व्यक्तिगत सिखाने का ये एक मुख्य तरीका है कि बच्चे को आप व्यक्तिगत रूप से जानें। इसका महत्व है कि मूल्यांकन के साथ निर्देशन, यानी व्यक्तिगत रूप से जब आप सिखाते हैं बच्चों को तो हम बच्चों को निर्देश तो देते ही हैं, साथ ही साथ समय समय पर उनका मूल्यांकन भी होते रहता है। यानी मूल्यांकन के साथ आप निर्देश देते हो समय समय पर। फिर है समय के साथ विषय का अनुकूलन, यानी जैसे जैसे समय में बढ़ोतरी होगी, बच्चे से आप कनेक्टेड होंगे, क्लास में आप जाएंगे तो वैसे वैसे आप समझ जाएंगे कि छात्र की सीखने की गति क्या है और इस छात्र को सीखने के लिए किस तकनीक का प्रयोग हम कर सकते हैं, या फिर छात्र जो है किन सामग्रियों से सीख सकते हैं। जैसे जब हम क्लास में जाते हैं तो कुछ बच्चे जो है एक लेक्चर से ही समझ जाते हैं, यानी आप टॉपिक के बारे में एक बार बताते हो वो समझ जाते हैं। कुछ बच्चे उसी टॉपिक को समझाने के लिए हमें उनके लिए चित्र बनाना पड़ता है, कुछ बच्चों को समझाने के लिए हमें मॉडल लेकर के जाना पड़ता है, या कुछ बच्चों को हम जब तक रियल लाइफ एग्जांपल ना देते वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें है समय के साथ विषय का अनुकूलन उत्पन्न हो जाता है। फिर कठिनाई के सही स्तर का ज्ञान। जब हम इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग करते हैं या बच्चों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षण प्रदान करते हैं तो इससे छात्रों का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, यानी विषय के किस मोड़ पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है,
कठिनाई हो रही है, और साथ ही विषय का लेवल जो है यानी सब्जेक्ट का लेवल, डिफिकल्टी लेवल भी हमें समझ में आ जाता है। फिर है छात्र की प्रगति में सहायक। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंस ये है कि हम इसमें छात्र को सही रूप से प्रगति करने में सहायक होते हैं, यानी हम मोटिवेट कर पाते हैं छात्रों को। जैसा देखा गया कि समूह में बच्चे उतने ज़्यादा मोटिवेट नहीं होते हैं, लेकिन जब आप इंडिविजुअली किसी बच्चे के साथ बात करते हैं, उन्हें आप सिखाने का प्रयास करते हैं, तो उनमें मोटिवेशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वे प्रगति कर पाते हैं। फिर है शिक्षण विधियों का प्रयोग। साथ ही साथ इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग में हम अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, हम बच्चे के अनुसार शिक्षण विधियों में चेंज ला सकते हैं। तो लगभग हर एक जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, हम सभी मेथड्स का यूज़ करके हम देख सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक इंडिविजुअलाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग बेसिकली इसी पर आधारित था कि बच्चे को पूर्ण रूप से कैसे शिक्षण प्रदान करें। यानी क्लास में जब हम सिखाने के लिए जाते हैं तो एक बड़ा सा समूह बैठा हुआ रहता है, लेकिन उसमें हर एक बच्चे का कुछ अलग अलग नीड होता है, आवश्यकता होता है, सीखने की गति होती है। हम कैसे उसके सीखने की गति को हम बढ़ाएं, हम कैसे हर एक बच्चे को इंडिविजुअल तरीके से, व्यक्तिगत रूप से हम सिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू।